हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुभाष गोस्वामी ब्लॉग, और इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे जो रास्ता है कितना ख़राब है और लोगों को कितना परेशानी होता है इस रास्ते में चलने पर। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि इससे भी अच्छा ब्लॉग वीडियो लेकर मैं और कोई नया खबर लेकर आप लोग के बीच आऊँगा। तब तक जो भी चैनल पे नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं ये बाइक ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जिसमें ये रेवा घाट वाला बांध है जो कि कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, लेकिन इस रोड पर कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि रोड अभी कंस्ट्रक्शन पे है, सावधानी होकर चलाएं। और इस रोड का इतना स्थिति खराब है, साइड साइड से मिट्टी डाला जा रहा है, और मिट्टी डालने के क्रम में जो बीच में मिट्टी है वो पानी पड़ने पर इतना गीला हो जाता है, ताकि लोगों को बरसात एक बारिश होने पर लोगों को इतना दिक्कत होता है, इतना परेशानी होता है। बाइक वाले को तो खास करके जो इतना स्किड कर जाते हैं और किसी फैमिली के साथ जाते हैं तो और भी ज़्यादा गिरने का चांस रहता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितना रोड पे मिट्टी जमा हुआ है, और जो इनके ठेकेदार है वो कहीं भी इस पे बोर्ड नहीं लगाए हुए हैं कि ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, इस रोड पे अभी आप अगर नए कपड़े पहन के जाते हैं, जो रेवा से ये आपको सोनपुर से रेवा तक जाता है बांध और मुजफ्फरपुर में जुड़ता है, जो डायरेक्ट मुजफ्फरपुर आपको निकाल देगा। और ये बहुत ही शॉर्टकट बांध है, अभी डबल लाइन हो रहा है, लेकिन इस रोड पे कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कृपया सावधानी से चले। और इस रोड पर अगर आप नए कपड़ा पहन के चले गए हैं तो वो नया आपको केवल 2 से 3 किलोमीटर में ही पुराना हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना इस पर धूल और मिट्टी का, मतलब एक बारिश होने पर ये पूरा कीचड़ हो जाता है, जिस पर गाड़ी स्लिप होने लगता है। दूसरी नंबर, इस रोड पर आप जब भी चलेंगे तो इतना ना धूल उड़ता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एकदम आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि मेरे पीछे से एक बोलेरो गाड़ी जो ओवरटेक कर रहा है, और जो सामने से जो गाड़ी आ रही है वो इतना धूल लेकर आती है, चाहे पीछे से जो जाता है वो इतना धूल लेकर, इसमें बाइक वाला का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नितिन गडकरी जी से कहना चाहूँगा, कृपया ऐसे ऐसे रोड पर कृपया आप लोग बोर्ड लगवाया करें, ताकि लोगों को सावधानी हो, या आप तो दूसरे रास्ते से चले जाएं, नहीं तो कोई और रास्ता देखें, ताकि उनको परेशानी ना हो। आप ये देख सकते हैं, बिहार का ये सोनपुर से रेवा घाट वाला बांध है, जिसका मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, और आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कितना परेशानी होता है एक बाइक वाले का, एक गाड़ी वाले का। मतलब अभी आपको अंत में इस वीडियो को आप बने रहे, और अंत में आप देखें, सबसे स्पेशल इस वीडियो का अंत में ही है, जो कि आप क्लियर देख सकते हैं कि इस वीडियो में कैसे मैं पूरा चारों तरफ से धूल से घिर चुका हूँ। दिन में ही मुझे नहीं दिखाई देता है, आप स्पष्ट इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे आप इस वीडियो को देखें तो आपको दिखाई देगा, एकदम थोड़ा सा आगे, बस अब यहाँ से शुरू होता है धूल। देखिए दोस्तों कितना धूल है इस रोड पे, और इससे आगे मैं जाऊँगा तो देखिए, आप मेरे पीछे से बोलेरो ओवरटेक करेगा, मेरे पीछे से देखिए, एक सामने से बोलेरो आ रहा है, ये देखिए कितना धूल लेकर आया, और मेरा आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी मैं इस पर बाइक चला रहा हूँ, रिक्स लेकर चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को दिखाना था कि देखिए कितना परेशानी होता है, जिसका है जो भी गांव इधर बज्जलपुर सरैया दरियारा मनपुरा जो भी इधर के लोग रहते हैं उनको कितना परेशानी होता है। अब देखिए दोस्तों, ये बोलेरो ओवरटेक किया, और देखिए कितना अंधेरा हो गया मेरे सामने, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता है। ये है बिहार का हाल, ये है बिहार का रोड, आप स्पष्ट इस वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे है बिहार का हाल। और बिहार के लोगों का नितिन गडकरी जी, ये वीडियो से आप कुछ देख कर इसमें कुछ सुधार करवाएं, नितिन गडकरी जी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए नितिन गडकरी जी आप इस वीडियो को स्पष्ट देखिए,
चलिए दोस्तों, जो भी अभी चैनल पे नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इससे भी और अच्छा अच्छा वीडियो जो कि आपके नॉलेज में हो और जो समाज के हित में हो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।